एक दिन मैं अर्ज की कोई सिख ऐसे ने जेडे कई कई पीढ़िया तो सतगुरु की रहमत नाल नवाजे हुए आ। मैनू आई सी मन च कि बाबा फेरू ने बड़ी सेवा की, बड़ी बारी मैं जिक्र किया, सिर्फ एक अज उन्हां दी रचना आप नूं सुनाणी। बिरद सन बाबा फेरू, ये असल च इन्हां दा नाम सी भाई संगत, ते गुरु घर विच इन्हां नूं संगत साहिब कहा जांदा सी। जिथे चार धूने सन उत्थे छे बख्शां ने, गुरु हर गोबिंद गुरु हर राय साहिब तो लैके दसवें पातशाह तक चार ते उदासियां दे धूने ने ते छे बख्शां ने। उहदे विच मियां साहिबीए, संगत साहिबीए, भगत भगवानीए, सुथरा शाहीए, जीत मलीए, ये सारिया बख्शां ने गुरसिखां नूं मिलियां होईयां। ये भाई फेरू शाह जिहड़ा है, भाई फेरू जी जिन्हों कहने आ, असल च इन्हां दा नाम सी भाई संगत। ये फेरू क्यों क्या? ये असल च उस वेले अपनी रोजी रोटी दे लई कुप्पे घ्यो दे लैने जी, ते मोढ़े ते कुप्पे रख के टंग के ये फेरी ला के घ्यो बेचते सन। इस करके इन्हां नूं फेरू कहिंदे सन, घ्यो बेचण करके। एक दिन कीरतपुर साहब घ्यो बेचते लंघ रहे ने, ते उत्थे भाई भगतू जी, शायद आप नूं जिन्हां हिस्टरी का पता है, गुरु रामदास दे घर च सेवा कीती बाबे आदम ने, पता है ना जी आप नूं। फिर मैं थोड़ी जी बेनती कर देना, भाई आदम मालवे का रहने वाला सी, इहदे घर पैसा दौलत की कमी नहीं सी, पर घर पुत्र धी नहीं सी। इहनूं किसे कहा तू माझे की धरती ते चला जा, गुरु नानक साहब की जोत धन गुरु रामदास सच्चा पातशाह उत्थे बहुत वड्डा तीर्थ बना रहे ने। वैसे तीर्थ का लफ्जी अर्थ हुंदा पवित्र, तीर्थ बना रहे आ, ते तू सेवा करी तेरी सुनी जानी। ये दोवें जी आ गए जी, उम्र काफ़ी हो चुकी सी, मेरा ख्याल सठवें दे नेड़े समझो तुसी। इन्हां दोनों जिया ने कहा सेवा की करिए, ते मन च आया भी लकड़ां दी लोड़ हुंदी, जंगल जाना, मुढ़ियां लियाउणियां, लकड़ां वढ़णियां, एक गुरु के लंगर च रख देनियां लकड़ां दी गठ ते कापणे घर च। उदों इन्नी रहायश नहीं बनी है, जे शहर वस रहा है। पोह दे दिन सन, इन्ना मीह पिया जी, पुछो कुछ ना। मीह तो बाद फिर सीत चली, ठंडी हवा चली, संगत कोल बिस्तरे कोई नहीं सन, प्रबंध नहीं सी। इन्हें बाबे आदम ने देखिया, ते घरवाली नूं कहिंदा है कि सेवा करन दा मौका आ गई, संगत कोल बिस्तरे कोई नहीं, जिन्नियां सुक्कियां लकड़ां ने बाहर लै जाइए, वक् वक् थावां ते ढेर ला के अग ला दित्ती, ते संगत इहनूं सेकन लग पई। कई उस लाकड़ां जिथे अग बले उहदे कोल आराम कर लग पए। गुरु रामदास बाहर निकले, संगत की सेवा संभाल ली, ते की देखिया वक् वक् थावां ते अग बल रही है, संगत सेक रही है, कोई बाणी पढ़ रहा, कोई लेट रहा। महाराज ने कहा ये किन्ने प्रबंध किया? उन्हें कहा जी ये बाबे आदम ने, भाई आदम ने संगत च बुला लिया। कह लगे अज तुसी साडी बहुत सेवा की, क्योंकि गुरसिखा अंदर सतगुर वरत है, गुरसिख विच गुरु वरतदा है, बड़ी सेवा की जो मंगोगे। हुण संगत च पुछया, ते एक पासे अपनी उम्र देखण, दूजे पासे मंग देखण, दाड़ा चिट्टा हो रहा है, ते मन चो आया जे मैं क्या सानू पुत्र धी संतान दिओ, ते वेखण वाले कहणगे बुढ़े बारे की कर रहे, की मंग रहे? कहिंदे ने महाराज सिखी दिओ, सिखी दिओ। हजूर हस पै कहन लगे घर चला जा, कल नू फिर आ, तू जो मंगना चाहना। घर गया, घरवाली नू दस्या जा के सतगुरां इह कहा। कहन लगी फिर तुसी पुत्र क्यों ना मंग लिया, ये परिवार नवाजे हुए ने, क्यों ना मंग लिया? कहन लगा मैनू शर्म आ गई। दूजे दिन गई जी आप नाल, सतगुरां ने कहा आदम तू सेवा की जो मंगेगा। उस बीबी ने हाथ जोड़ के कहा सतगुरु पुत्र ते सिखी मंगण आए हैं, पहला कला पुत्र सी, हुण सिखी भी नाल दे। महाराज जी ने कहा तुहाडे घर साडा बच्चा जन्म लेगा, उहदा नाम भगतू रखना है। ये महाराज ने, एक हिस्टरी है जी, केवल कोई क्योंकि अज तां हिस्टरी इतिहास की हर साखी शक
मैं कई बार देखना जो साखी शुरू करो कई वेखन मिलता ना चेहरे होर हो जाते हैं क्योंकि वो अंदर स्वीकार नहीं छेती नाम भगतू रखियो प्यारे सच्ची मुची एक साल बाद पुत्र पैदा होया नाम भगतू रखिया ये इन्नी करनी वाला गुरसिख होया अगर ये बेटे होए ये अंश विचों ही फतेह सिंह होया जिन्हें वजीर खान चीर के रख दिता सी वो भाई भगतू की औलाद विचों से चप्पड़चिरी के मैदान च जिस फतेह सिंह जिदा पिंड है चक फतेह सिंह वाला मालवे विच उत्थे महाराज गए ही फिर इन्हां कोल गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुण ये भाई भगतू सेवा कर रहा सी लंगर दी लैके आ खेतां च काम कर रहे सन सिख उन्हां कहा भगतू बाबा बाबा भगतू जी नूं भाई जी रोटी लिया अज बड़ा जोर लग्या घ्यो नहीं लिया इन्नी देर नूं फेरू आ गया फिर जिहड़ा घ्यो वेचण वाला उन्हूं आवाज दे के कहिंदे ने घ्यो नहीं मैं लिया कुप्पा तेरे कोल भरिया होना है मेरे ते भरोसा कर आ सिख ने घ्यो तोल के दे दे कल नूं पैसे लै जी मैं गुरु घरों लै आवांगा पैसे उन्हें जी क्या मेरे को तोलन वाली चीज़ कोई नहीं मैं तो लैके आया जे वो कहिंदा तू कढ के दे जा घर जा के तोल के उत्तों पाली जिन्ना लगेगा ते वो जी गया घर जदों पहुंचया साडा इतिहास कहिंदा उन्हें कुप्पे तोले ते पूरे दे पूरे सन वो फिर दूजे दिन रात नींद नहीं पई जदों भाग जागदे एक घड़ी दी संगत होई ना उन्हें कुप्पा अज फेर ही नहीं लाई वापस आ गया भगतू जी भाई जी कहन लगे भाई दस तेरे पैसे किन्ने बने कहिंदा पैसों की गल छड बाबा मेरे तो ऊने कुप्पे भी भरे गए मैनू वो दस किवें भरे गए भाई भगतू दियां अखां भारियां कहन लगे सिखां दी सेवा करन वालियां दे कुप्पे कदी ऊने नहीं रहिंदे हुंदे कौन सिख उन्हें दस्या फिर गुरु हर राय साहिब दे चरणा च गया गुरु हर राय साहब ने फिर भाई फेरू ते बख्शिश कीती भाई संगत साहब ते इनू फिर क्या अज तो बाद तू लंगर लाना ते मम खीसा कर होए तेरा खीसा मेरा होवेगा जे मेरी होवेगी हाथ तेरा होवेगा तुर पिया जी इस भाई फेरू ने बख्शिश लैके लंगर लाए ते एक दिन की घटना वापरी कि लंगर वरतांदियां वरतांदियां किते संगत विच एक गुरमुख नूं जां रंग रतड़ी रूह नूं रात दी रोटी दे दित्ती जिवें मिसा प्रसादा जिहनूं कहिंदे उहने विचों आवाज़ दे दित्ती ए फेरू तू लंगर काला किया खाए प्रसाद में तृप्त न थिया तू गुरु का लंगर काणा कर दिता होए एक नूं ताजियां सजनियां एक नूं बहियां इतिहास कहिंदा भाई फेरू ने हथ जोड़ के कहा मम एक आंख करो तुम काणी गुरु लंगर करो बहाला कहिंदा लंगर नहीं काणा हुंदा साढ़े करके होया है इतिहास कहिंदा उन्हां दी अख जांदी रही सी मैं आप नूं बेनती कर लगा उन्हें गुरु हर राय साहब की सेवा की गुरु हरकृष्ण साहब वेले गुरु तेग बहादुर साहब वेले की मैं सिर्फ एक बेनती कर लगा कह नानक सब औगण मोह मैं दसवें पातशाह दे वेले जदों मसंदा च गिरावट आई सारे मसंद सदे तो भाई फेरू उन्हूं कहा जी नक्के पिंड दा मसंद ए नहीं आया कदी भेटा भी नहीं आई महाराज जी ने भाई आलम सिंह नचने नूं भेजिया पांच सिख भेजे मैं एक दिन कहा सी इहनूं पिछों इहदे हथ बन्ह के लियायो जदों गए भाई जी नूं लैण तो उत्थे संगत इन्नी टिकी डेरे च पुछो कुछ ना तो पुछया जी इह कित्थे वे ये फेरू जी कह लगे इस वेले नदी के किनारे ज एकांत भी चले जाते हैं भाई सिखो प्रशादा छकोगे अगों सेवादार इन्ने टिके इन्नी देर में मजीठी रंग का चोला पाया भाई जी भी आ गया भाई साहब भाई फेरू जी आ गए उन्होंने खीया ही नहीं पिया भी तेरिया हथ बनने जीवन इन्ना उच्चा पवित्र उन्हें दस्या जो असं आए हाँ सब दे चरणा च मत्था टेकया गुरमुखो हाथ पिछे बन के तुरिया भाई फेरू गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार च गया उत्थे जाके नेड़े जाके फिर सच्ची मुची हाथ बन लए दे पिछे इन्हें फिर अपनी दाढ़ी लम्मी सी दोनों हाथों नाल पकड़ ली इहदा मतलब ये सी मैं औगणा नाल भरिया वा गुरमुखो
ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਪਕੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਪਕੜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਰੋਈ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਪਕੜੀ ਕੋਈ ਦਾੜ੍ਹੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਰੂ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਣੀ, ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਉਗਣ ਵਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਣੀ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਸਦਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂਗ ਤਣੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਔਗਣ ਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਸਦਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂਗ ਤਣੀ, ਤੈਂ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨੇਗਾ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਸਦਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂਗ ਤਣੀ, ਤੈਂ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਢੂੰਡੀ ਬਣੀ ਬਣੀ ਫੇਰੂ, ਜਾਨ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਲੀ ਬਣੀ।